बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। नॉली टीवी खुश आमदीद। आज मैं बात करूंगा हाउस रेंट के बारे में। आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है तमाम सरकारी मुलाज़मीन के लिए। हाउस रेंट की कैलकुलेशन के बारे में और मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको बताने वाला हूं। हाउस रेंट 1994 से लेकर 2007 तक की मुकम्मल डिटेल बताऊँगा और आपको बताता चलूँ कि हाउस रेंट में दो कैटेगरीज, एक है 30% और दूसरी है 45%। 30% उन शहरों में दिया जाता है जो बिग सिटी से बाहर हैं। जो बिग सिटी शहर हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर के अलावा और बहुत से शहर इसमें शामिल हैं, उनमें जितना भी जो बिग सिटी में आते हैं उनको 45% हाउस रेंट दिया जाता है। ये हाउस रेंट आपको 2008 की जो इनिशियल स्टेज है, जीरो स्टेज है, उसका 45% और 30% आपको मिलेगा। अब मैं आपको चलता हूं जी उसकी तरफ जी। सबसे पहले हम बात करते हैं 30% की तरफ। 94 से लेकर आपके सामने एक चार्ट है चल रहा है जिसमें 94 से लेकर 7/2018 तक का हाउस रेंट के बारे में मुकम्मल डिटेल आप इसके ऊपर देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर हम बीपीएस स्केल नंबर 1 से लेकर 22 तक की मुकम्मल स्टेज आपके सामने ये स्क्रीन पर चल रहा है। स्टेज 1 की बात करें तो 374 रुपये 1994 में हाउस रेंट था, 2001 में 561 रुपये और इसी तरह 2005 में स्केल दोबारा रिवाइज हुए 645 रुपये। ये उनकी जो इनिशियल पे है उसको 30% जो उसका निकला हुआ है वो उसका हाउस रेंट है। इसके अलावा 7/2007 को 743 रुपये, 891 रुपये 7/2008 को। और एक और बात ख़ास आपको बताते चलो, 7/2008 कई जो आपका हाउस रेंट दिया गया था इनिशियल स्टेज पे 891 रुपये स्केल नंबर 1 का, इसको आपने इसको 50% इसका इंक्रीज किया गया, यानी 445 रुपये इसमें जमा कर दिए गए, तो 1337 रुपये आपका हाउस रेंट निकला है। ये 1/7/2018 को जो हाउस रेंट था वो इसमें 50% इंक्रीज किया गया। अब इसकी मुकम्मल 1 से लेकर 22 तक आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। जो लोग 30% हाउस रेंट लेते हैं, यानी 2008 को ये फ्रीज हो गया, 8 की जो इनिशियल पे थी उसके ऊपर अब आपने 50% आपको मिलेगा उसका जो है हाउस रेंट वो 1/7/2018 से। अब 1/7/2018 को क्योंकि ये इंक्रीज हो गया था और ये 50% उसमें इजाफा हो गया था, जो आप 2008 को हाउस रेंट ले रहे थे उसके ऊपर 50% इजाफा हुआ था। आपके सामने ये मुकम्मल स्टेज आ रही है जिसमें स्केल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह 22 स्केल तक मुकम्मल हाउस रेंट आपके सामने है जो इस वक्त मौजूदा चल रहा है, उसकी मुकम्मल डिटेल। अब हम बात करते हैं 45% की। 1994 से लेकर 7/2018 तक का मुकम्मल डिटेल आपके सामने। अगर हम स्केल नंबर 1 की बात करें 1994 में 560 रुपये, और इस तरीके से स्केल नंबर 1 की अगर बात करें दोबारा स्केल वाइज 12/2001 को, तो वो बन गया जी 842 रुपये, इसी तरह 968 रुपये, 1114 रुपये, 1337 रुपये, ये बन गया जी 7/2008 की जो इनिशियल पे थी उसके ऊपर ये हाउस रेंट दिया गया। अब जो 7/2008 की जो इनिशियल पे थी 1337 रुपये, इसका जो 50% था वो इसमें इजाफा किया गया, यानी कि 50 आधा इसमें, तो 2006 रुपये 1/7/2018 को आपका हाउस रेंट बन गया, यानी कि 2007/2008 का जो आपके पास हाउस रेंट था उसको इजाफा किया गया। उसमें 50% इजाफा करने के बाद आपका ये हाउस रेंट निकला। स्केल नंबर 1 से 22 तक स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यही इसके निकालने का तरीका है कि आपने हाउस रेंट कैसे निकालना है, और उसका 50% आपने ले लेना है 1/7/2008 का जो हाउस रेंट आपको मिल रहा है उसके ऊपर 50% उसमें जमा करेंगे, तो फिर उसके बाद आपका हाउस रेंट निकल आएगा। एक स्केल 1 से 22 तक आपकी मुकम्मल डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। अगर इसको बड़े हरूफ में देखें तो हाउस रेंट 30% अदर सिटीज़ और हाउस रेंट जो 45% है जो बिग सिटी अलाउंसेस में, ये मुकम्मल डिटेल स्केल नंबर 1 से लेकर 22 तक आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्केल 1 की बात की जाए 1337 रुपये और 45% में 2006 रुपये, स्केल नंबर 2 में 1367 और 2400 रुपये, सर 3 में 4, 5, 6, 7 इस तरह, स्केल नंबर 10 में बात करें तो 1781 से लेकर 2670 रुपये, 11 में 1852 से लेकर 2778 रुपये 45%, इस तरीके से ये मुकम्मल 20 तक स्टेज आप इसकी देख सकते हैं और हाउस रेंट। यही मुकम्मल तरीका था इसकी कैलकुलेट करने का, बड़ा आसान तरीका है। आपके पास 7/2 जो आखिरी स्केल है, 7 जो स्केल मुख्तलिफ डेटों में स्केल रिवाइज हुए हैं,
तो उसकी स्केल के हिसाब से आप देखें कि उसकी जो 1/7 2008 की जो आपके पास स्केल होगा, पे स्केल होगा, उसकी जो इनिशियल पे होगी हर स्केल की, उसके ऊपर आपने फिफ्थ उसके आपने ऊपर पहले 45% लगाना है, तो आपके हाउस रेंट निकल आएगा उसके ऊपर 50%, जो हाउस रेंट निकला होगा उसके ऊपर 50% लगाएंगे तो आपका 1/7 2018 के मुताबिक हाउस रेंट निकल आएगा। ये आज की बड़ी अपडेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।